वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि आप सभी भी घर पे बहुत अच्छे से होंगे, राइट? सो आज की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए? आज की पढ़ाई पहले स्टार्ट करने के पहले हम सब जल्दी से एक ग्लास पानी पीकर आएंगे। तब तक मैं आपके मम्मी पापा से बात कर लेती। सो थैंक यू सो मच डियर पेरेंट्स, जिन्होंने गुरु पूर्णिमा के अच्छे से वीडियोस बनाकर और अच्छे से मैसेजेस और बच्चे की रिकॉर्डिंग कर मुझे भेजी, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बच्चों को इतने अच्छे से बोलते हुए सुनती हूँ, उनके वीडियोस को देखती हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। रियली थैंक यू सो मच डियर पेरेंट। यस सो बच्चों, आप लोग आ गए हैं तो जल्दी से सेटल डाउन हो जाइए। यस, सेटल डाउन होने के बाद अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो आज हम पीपीटी के संग मैं एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी और आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं और नए में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। और वो इंटरेस्टिंग चीजें क्या होंगी, नाउ लेट्स सी। मैं आपसे कुछ पूछूंगी और आपको उसके आंसर देने होंगे, राइट? सो अगर मुझे अपनी कटिंग करानी हो, मेरे हेयर्स बहुत बड़े हो गए हैं, मुझे कट कराना है, तो मुझे किसके पास जाना होगा? और अगर मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए और मुझे किसी से वॉश कराने हैं, तो मुझे किसके पास जाना होगा? और अगर मुझे अपने कपड़ों पे आयरन कराना है, तो मुझे किसके पास जाना होगा? एंड अगर मैं बीमार हो गई, मैं सिक हो गई, तो मैं किसके पास जाऊंगी? एंड अगर कहीं आग लग जाए, तो हमें किसको कॉल करना चाहिए? एंड यदि मेरे जूते खराब हो गए हैं और टूट रहे हैं, तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आज हम फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। और ये टॉपिक हम 2 डेज उठाएंगे, जिसमें जल्दी से आप लोगों को हर चीज क्लियर हो जाए, राइट? सो माय डियर चिल्ड्रन, नाउ वी आर मूविंग ऑन द स्लाइड, राइट? नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग, यू हैव टू लिसन अटेंटिवली, राइट? यू हैव टू लिसन अटेंटिवली एंड पे अटेंशन, राइट? सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल किड्सी लाल घाटी एंड किड्सी करोन जूनियर के जी चिल्ड्रन। एंड थॉट ऑफ द डे इज रीडिंग इज ड्रीमिंग विथ आईज वाइड ओपन। यस, रीडिंग इज ड्रीमिंग विथ आईज वाइड ओपन। सो टुडे इज व्हाट? टुडेज डेट इज 7th जुलाई 2020। सो अगेन आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन। सो यस्टरडे वॉज यस 6th ऑफ जुलाई एंड टुमारो विल बी ऑब्वियसली 8th ऑफ जुलाई। वेरी गुड। नाउ आप सभी को आ गया कि मैम क्या क्या पूछने वाली हैं रोज, राइट? सो टुडेज डे इज वॉट? ट्यूजडे। वॉट? ट्यूजडे। सो ऑब्वियसली यू हैव टू टेल मी यस्टरडे वॉज यस मंडे एंड टुमारो विल बी वेडनेसडे। यस, वेरी गुड। सो डियर पेरेंट, दिस इज फॉर यू। टुडे इज वीक 4 डे 19। वीक 4 डे 19। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एंड अब क्या करना है बच्चों? यस, यू हैव टू स्टैंड एट योर प्लेस, डोंट मूव हेयर एंड देयर, स्ट्रेट स्ट्रेट एंड पुट योर राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट चेस्ट एंड से विथ मी, लेट्स स्टार्ट आर डे विद अ स्मॉल प्रेयर। यू आर विद इन मी, यू आर इनफाइनाइट, यू आर यूनिक, माई पोटेंशियल इन साइट, यू आर द विंग्स बीनीथ माई फ्लाई, यू डिफाइन मी, माई पोटेंशियल इन साइट, टूडे आई प्लेज विथ ऑल माई माइट, आई शेल अचीव यू, माई पोटेंशियल इन साइट। थैंक यू, गेट रिलैक्स्ड एंड सेटल डाउन एट योर प्लेस। यस, नाउ वी आर मूविंग ऑन द सीटी टाइम। व्हाट टाइम? सीटी टाइम। दिस इज द कंसेप्ट टाइम। टुडेज कंसेप्ट इज पीपल हु हेल्प अस। व्हाट? पीपल हु हेल्प अस। यस, सो कल्मिनेशन 1, वीक 4 डे 19, टॉपिक इज पीपल हु हेल्प अस। एंड योर पेरेंट, दिस इज फॉर यू। लर्निंग आउटकम शुड बी
इस एक्टिविटी को कराने के बाद बच्चों के लर्निंग आउटकम क्या होने चाहिए। सो ये टॉपिक अभी 2-3 डेज चलेगा। सो 2-3 डेज के बाद जो लर्निंग आउटकम आने चाहिए वो आने चाहिए कि एसोसिएट व्हीकल्स यूज्ड बाय द एटलीस्ट 2 कम्युनिटी हेल्पर्स फर्स्ट, सेकेंड एसोसिएट टूल्स यूज्ड बाय एटलीस्ट 3 कम्युनिटी हेल्पर्स, नेक्स्ट लिसन अटेंटिवली एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू सिंपल डायरेक्शंस और क्वेश्चंस, राइट। एंड बच्चों के स्किल्स जो डेवलप होंगे वो होंगे लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड लॉजिकल। यस, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्टली हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे पीपल हु हेल्प अस में डॉक्टर एंड नर्स। सो बच्चों, अगर आपको मैनी टाइम्स लूप्स आ रहे हो अपने स्नेजिंग के, या फिर आपको कोल्ड हो रहा हो, कफ हो रहा हो, कोल्ड एंड कफ मतलब सर्दी एंड जुकाम के साथ फीवर, राइट। एंड अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा हो कि आप अनईजी फील कर रहे हो, ऐसे लगता है, तो फिर आपको आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं डॉक्टर के यहाँ। अगर आपका वैक्सीनेशन होना हो तो आप कहाँ जाते हो डॉक्टर के यहाँ। अगर आपके पेट में दर्द हो तो अपन कहाँ जाते हैं डॉक्टर के यहाँ। यस, और वहां पर कौन मिलता है आपको डॉक्टर के पहले, मिलती है नर्स। और नर्स क्या करती है, आपको डील करती है, आपको इंजेक्शन लगाना है या जो भी काम करना है वो कौन करता है, डॉक्टर एंड नर्स। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यस, अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो फिर हमारी हेल्थ की केयर कौन करेगा। हमको हमेशा डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड डॉक्टर को सबसे पहले हेल्प कौन करता है, नर्स। नर्स की भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। अगर डॉक्टर एंड नर्स नहीं होंगे तो हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे, एंड वी शुड बी हेल्दी। अगर हम लोगों को हेल्दी रहना है तो हमको डॉक्टर एंड नर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, राइट। अभी जो COVID-19 चल रहा है ना, कोरोना चल रहा है ना, तो सबसे ज्यादा काम पता है किसने किया है, डॉक्टर्स ने। बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है। वी ऑलवेज शुड रिस्पेक्ट टू डॉक्टर एंड नर्स। यस, सो फर्स्टली डॉक्टर्स कहाँ होते हैं, क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, राइट। कहाँ होते हैं, हॉस्पिटल में एंड क्लिनिक में। और जब किसी पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक जाना होता है तो हम कौन सा व्हीकल यूज करते हैं, एम्बुलेंस। और इन द एम्बुलेंस ऑलवेज नर्स इज देयर। यस, अ नर्स लेडी वुमन और जेंट्स शुड बी देयर इन द एम्बुलेंस। यस, सो एम्बुलेंस यूज करते हैं। अगर हम जब भी डॉक्टर्स का नाम लेंगे तो हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्स एंड एम्बुलेंस शुड बी देयर। यस, और अगर आपसे चलते ही नहीं बन रहा तो फिर आपको किस पे बिठा के ले जाते हैं हॉस्पिटल तक, व्हील चेयर पर। किस पे ले जाते हैं, व्हील चेयर पर। यस, सो डॉक्टर एंड नर्स वर्क्स इन वेयर, हॉस्पिटल। नाउ यू हैव टू टेल मी डॉक्टर एंड नर्स वर्क्स वेयर। यस, डॉक्टर एंड नर्स वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। डॉक्टर ट्रीट अस, डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर का काम क्या है। नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ डॉक्टर, देन डॉक्टर ट्रीट्स अस व्हेन वी सिक। जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। यस, नाउ क्लियर। नाउ सेकंड पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन, आपने कभी देखा है कि एक रेड कलर का फायर ब्रिगेड हमेशा जाता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी सीढ़ी सी रखी रहती है एंड वो बेल करता हुआ जाता है, टन 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 टन। कभी सुना है बच्चों आपने? नहीं सुना है तो आप कभी सुनना, रियल लाइफ में कई बार हमें ये एग्जाम्पल्स मिलते हैं। जब कभी किसी घर में, किसी बिजनेस पे या किसी शॉप पे या कहीं भी आग लग जाती है तो वी शुड कॉल फायर ब्रिगेड। यस, फायर ब्रिगेड हमेशा कौन से कलर में होता है, रेड कलर में होता है। एंड देयर आर मेनी पर्सन जो एक ब्लू कलर का पूरा ओवर जैकेट पहन कर रखते हैं, राइट। उनके सिर पे एक हेलमेट जैसा कुछ होता है, उनके पीछे कुछ एक सिलेंडर जैसा वो लोग लगा कर रखते हैं, और उस सिलेंडर में से एक ऐसा पाइप निकलता है, और उस पाइप में से पता है क्या निकलता है बच्चों, वाटर।
और वो किसको बुझाता है पता है आपको? जिस फायर को बुझाने के लिए नॉर्मल लोग काम नहीं आते। वैसे तो हमें अगर कहीं थोड़ी बहुत आग देखते हैं तो पानी डाल देना चाहिए, अगर पानी से नहीं बुझती है तो हमें रेत डालना चाहिए, अगर रेत से भी नहीं बुझती है तो फिर हमें अपना फायर ब्रिगेड का जो कॉल नंबर है वो जल्दी से कॉल करके उनको बुला लेना चाहिए। और यू नो दैट कि बच्चे जहां भी आप कहीं हो, फायर ब्रिगेड कितने भी दूर हो, वो जल्दी से जल्दी आपके पास हेल्प करने आपको आ जाती है। यस, सो ऑलवेज वी शुड रिस्पेक्ट टू दीज पर्सन। यस, सो फायर ब्रिगेड इज ऑल्सो नोन एज फायरमैन। क्यों? क्योंकि इस फायर ब्रिगेड में, फायर ब्रिगेड में कौन होते हैं? फायर फाइटर्स होते हैं, एंड फायर फाइटर्स को हम लोग फायरमैन या फायर वुमेन भी कहते हैं, उसमें लेडीज भी हो सकते हैं, राइट? सो फायर फाइटर्स जो कि फायर ब्रिगेड में होते हैं, फायर फाइटर्स को हम लोग फायरमैन भी कहते हैं। फायर फाइटर्स केयर फॉर द सिक एंड इंजोर्ड, ये हम लोगों को इंजोर्ड होने से बचाते हैं, लाइक केयर करते हैं। अ फायरमैन इज इम्पोर्टेंट इन अ कम्युनिटी फॉर मैनी रीजंस। यस, दी और दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिटी फॉर द मैनी रीजंस। दे हेल्प पीपल एंड एनिमल इन इमरजेंसीज, दे हेल्प पुट आउट फायर्स सो आर हाउसेस अदर बिल्डिंग एंड लैंड डोंट बर्न डाउन। ये हमें जलने से बचाते हैं, हमेशा हमारी बिल्डिंग्स को गिरने से जलने से बचा देते हैं। दे टीच अस हाउ टू बी सेफ अराउंड फायर। यस, और ये हमें यह भी सिखा के जाते हैं कि अगर हमारे चारों तरफ फायर हो जाए तो हमें कैसे सेफ रहना है। यस, हमारे स्कूल में भी फायर ब्रिगेड का सेशन होता है ना बच्चों, आते हैं ना आप लोगों को बताने कि किस तरीके से आप लोगों को वो सिलेंडर ओपन करके आग से बचाना है। और हमारा क्या होता था, एक सेशन ऐसा होता था जिसमें हम लोग सीखते थे इमरजेंसी एग्जिट कैसे लिया जाता है। जो पुराने बच्चे होंगे उन्हें याद हो गया होगा। यस, याद आ गया होगा। सो हम जो सेशन लेते थे इमरजेंसी में, हम लोग बेल बजाते थे कि यस इमरजेंसी है, वी हैव टू रेन अवे, एंड हमें बिल्डिंग खाली करनी पड़ेगी। जब वो वाली इमरजेंसी कॉल होती थी तो हम कैसे इमरजेंसी एग्जिट लेते थे, राइट? नीचे झुक के ऐसे से चलते थे। आप सबको याद आया? यस, सो वो फायर ब्रिगेड का ही सेशन होता था, फायर मैन एंड फायर वुमेन्स का सेशन होता था, जो फायर फाइटर के नाम से हम जानते हैं। सो हमने आज पढ़ा डॉक्टर के बारे में एंड फायर फाइटर के बारे में। यस, थर्ड इज पुलिस मैन। सबने दंगल मूवी देखी है? यस, सब कुछ चुलबुल पांडे याद है ना? यस, सो पुलिस मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर कम्युनिटी। डियर बच्चे लोग, आपको पता है अभी COVID-19 में डॉक्टर्स और नर्स के बाद यदि सबसे ज्यादा काम किसी ने किया है, के साथ सबसे ज्यादा काम किसी ने किया है, तो वो थे पुलिस वाले। आपको दिखते थे आपके घर के पास, मार्केट में, चौराहों पर, दिन भी रात भी, वो हमेशा अपनी ड्यूटी पर होते थे फॉर हेल्पिंग अस ओनली। सो वी शुड रिस्पेक्ट दीज कम्युनिटी हेल्पर्स। एंड पुलिस वर्क्स इन अ पुलिस स्टेशन। और वो कहाँ रहते हैं, उनका उनका वो जो ऑफिस टाइम होता है वो कहाँ जाता है? पुलिस स्टेशन में। जैसे डॉक्टर कहाँ रहता है? हॉस्पिटल में, ठीक है। फायरमैन कहाँ रहते हैं? फायर ब्रिगेड में। ऐसे ही पुलिसमैन कहाँ रहते हैं? पुलिस स्टेशन पे, ठीक है। एंड द पुलिस सर्व टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द लोकल एरियाज बाय प्रोटेक्टिंग मेंबर्स ऑफ द पुलिस एंड देयर प्रॉपर्टी। यस, इनका काम होता है, जो लोकल की पुलिस होती है, मतलब हर एक थाने की एक अलग से पुलिस होती है, तो वो अपने एरिया को, उनका जो सेफ जोन होता है, जिनका अंडर जोन होता है, उसको, उसकी सारी प्रॉपर्टी को, उसके सारे लोगों को, पब्लिक को प्रोटेक्ट करना, सारे लोगों के सारे मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना इनका काम होता है। और ये प्रिवेंशन रखते हैं किस चीज पे? क्राइम पे, रिड्यूसिंग द फियर ऑफ क्राइम। कम से कम क्राइम हो ही नहीं क्राइम, और जो क्राइम हो भी जाते हैं तो सबको अच्छे से रिजल्ट मिलना चाहिए। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द सिटीजन, फॉर ऑल सिटीजन। जो सिटीजन होते हैं, जो जैसे मान लीजिए हमारे भोपाल के सिटीजन हैं, अगर वो क्राइम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो अच्छे से रह पाएंगे ना बच्चा? सो दिस इज द वर्क फॉर पुलिस ऑफिसर्स। एंड पुलिस किसको पकड़ती है? थीप को, चोर को, ठीक है। सो पुलिस कैचेस द थीप, राइट? सो पुलिस की यदि बात करें, पुलिस के पास कौन से व्हीकल्स होते हैं? आपने देखे होंगे 100 डायल होता है,
उनके पास उनकी जिप्सी होती है, जीप होती है, राइट, मर्सिडीज होती है, कार होती है। हाँ, कई पुलिस वालों के पास कार भी होते हैं, व्हीकल्स में वो लोग बुलेट भी यूज करते हैं, टू व्हीलर भी यूज करते हैं, राइट। और उनके पास क्या क्या सामान आपको देखने को मिलता है, आपने देखा है उनके कमर पे ऐसे छोटा सा वायरलेस लगा रहता है उनके बेल्ट में, जिससे आवाजें आती रहती हैं, वो बात करते रहते हैं ऐसे मुंह में पकड़ के, राइट। सो दिस इज द वायरलेस। एंड उनके पास और क्या होता है, गन होती है। यस, यू ऑल लव द गन ना? यस बॉयज टू लव, आई नो दैट। यस, सो जो गन होती है वो इसलिए होती है कि वो थीप को पकड़ सकें, उसको डरा सकें, और इवन जब नीड पड़ती है तो उसको मार भी देते हैं। उनका बहुत रिस्की काम होता है। एंड आप लोगों ने देखा है उनके हाथ में एक छोटी सी हथकड़ी भी हो सकती है, जो भी उन्हें थीप मिलते हैं उसको बंद कर देते हैं उस हथकड़ी में, और एक हाथ अपने में पकड़ लेते हैं और एक उसका थीप का हाथ रहता है, तो थीप उसके पीछे पीछे चला जाता है पुलिस वालों के पीछे। कई पुलिस वाले अपने गॉगल्स, स्पैक्स, ये सब यूज करते हैं। कई पुलिस वाले अपना पुलिस का जैकेट और ड्रेस यूज करते हैं। आपने देखा है खाकी कलर का ड्रेस होता है उनका, यहाँ पर उनका नेम प्लेट लगा रहता है, यहाँ उनके स्टार्स लगे रहते हैं, उनके पास उनका कैप होता है। सो मेनी थिंग्स आर देयर ना, उनके ड्रेस में बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप पुलिस वालों का ड्रेस पहनते हो, राइट। कुछ बच्चे हैं जो हमेशा फैंसी ड्रेस में पुलिस ही बनकर आते थे, और मोस्ट ऑफ द बॉयज, राइट। सो पुलिस के बारे में हमने पढ़ा, कहाँ रहते हैं, पुलिस स्टेशन पे। पहले मैं डॉक्टर का पूछती हूँ, डॉक्टर कहाँ रहते हैं, यस, हॉस्पिटल और क्लिनिक में। डॉक्टर कौन सी गाड़ी यूज करते हैं, एम्बुलेंस। नर्स हमेशा कहाँ होती है, एम्बुलेंस में और हॉस्पिटल में, यस। नाउ फायर ब्रिगेड कौन से कलर का होता है, रेड कलर का। उसमें कौन होते हैं, फायरमैन होते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं, फायर वुमेन्स होती हैं, राइट। एंड उसमें बहुत सारा पानी होता है, राइट, उनके पास पानी होता है। एंड वो हमें किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, फायर से। डॉक्टर हमें किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे सिक होने से, राइट। एंड पुलिसमैन किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, थीप से, राइट, कैच करते हैं थीप को। और कहाँ रहते हैं पुलिसमैन, पुलिस स्टेशन पर, राइट। यस, नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट स्लाइड, पोस्टमैन। अब तो ये कल्चर बहुत कम हो गया है, पहले जब मोबाइल नहीं चलते थे, लैंडलाइन हुआ करते थे बस, तब अगर कोई भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन होता था ना बच्चों, तो हमारे दादा नानी, मम्मी पापा ने भी शायद बहुत सारे लेटर, जब हमारे पापा लोग बाहर पढ़ रहे होते थे, मम्मी बाहर पढ़ने नहीं थी, तो नाना नानी या दादा दादी, पता है उनको कैसे कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि वो तो अपनी पढ़ाई में बिजी रहते थे, लैंडलाइन होते थे, मोबाइल होते नहीं थे, तो वो लोग लेटर्स लिखते थे। एंड लेटर्स लिखने के बाद वो लोग उस लेटर में अपनी पूरी फीलिंग्स, अपने पूरे स्कूल के, अपने पूरे घर के विचार, अपने घर में क्या हो रहा है, क्या नया होने वाला है, आप कैसे हो, इस सब की जानकारी वो लोग उस लेटर में लिखते थे। एंड उस लेटर को फिर वो लोग प्रॉपर बंद करके कहाँ रख कर आते थे, पोस्ट ऑफिस में डालकर आते थे। फिर पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन, यानी एक बंदा जो हमेशा रेड कलर की ड्रेस में होता था एंड ब्लैक पैंट में होता था और एक कैप लगाता था, वो हमेशा उनके पास एक बैग होता था, राइट। और पुराने जमाने में जो पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन होते थे वो खाकी कलर के ड्रेस में होते थे, राइट। सो वो क्या करते थे, झोला लिए रहते थे, एक बैग लिए रहते थे, वो उसमें सारा सामान, सारी चिट्ठियां सबकी डालते थे, फिर वो एड्रेस पढ़ते थे, फिर उस एड्रेस पे वो लोग साइकिल से, व्हीकल से, या अगर बहुत दूर है तो वो लोग बस पे रखते थे, या और दूर है तो ट्रेनों में रखते थे। इस तरीके से वो लोग वो लेटर्स उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे जिनके लिए वो लेटर लिखे जाते थे, जैसे हमारे मम्मी पापा के लिए लिखते थे, हमारे दादा दादी नाना नानी। आज आप पूछना अपने दादा दादी नाना नानी से, आपने कभी लेटर्स लिखे हैं, तो वो कौन लेके जाता था, वो पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन लेकर जाता था। तो पोस्टमैन कहाँ रहते हैं, पोस्ट ऑफिस में, उनका ऑफिस कहाँ होता है, पोस्ट ऑफिस। एंड उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है लेटर्स को लेना और एक दूसरे जगह पर प्लेस कर देना। अब उसकी जगह धीरे धीरे मेल ने ले ली, फिर मेल से हटके स्कैनर्स ने ले ली, फिर धीरे धीरे हटके मैसेंजर आ गया, फिर अब व्हाट्सएप आ गया। तो अब ये चीजें कम हो गई हैं, लेकिन अभी भी अगर कोई इम्पोर्टेंट और इंटरनेशनली डिस्कशन करना होता है तो इनका यूज होता है। ये 100% खत्म नहीं हुई है चीजें, राइट। सो पोस्टमैन वर्क्स इन अ पोस्ट ऑफिस, कहाँ काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में। एंड पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फ्रॉम अस, और पोस्टमैन का काम क्या है, लेटर्स हमारे लिए लेकर आना। यस, वेरी गुड। सो आज हमने सीखा डॉक्टर, नर्स, एंड पुलिस, एंड फायरमैन, एंड पोस्टमैन, इनके बारे में।
राइट, कल हम और सीखेंगे, फिर हम एक राइम और एक स्टोरी भी करेंगे इनसे रिलेटेड, ठीक है, फिर एक कैरेक्टर भी प्ले करेंगे। आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कम्युनिटी पहल पर बनना है, हाँ, और बाहर से ड्रेस रेंट पे नहीं लाना है डियर पेरेंट, आपको घर में ही बच्चों को रेडी करना होगा और उनको एटलीस्ट 3 3 और 4 4 लाइन सिखानी होंगी, और वो 4 लाइन होंगी कि वो आज क्या बने हैं, लाइक आई एम अ डॉक्टर, माई नेम इज दिस दिस दिस, माई नेम इज डॉक्टर स्वाति जैन, एंड सेकेंड लाइन होगी उसकी कि वो कहाँ रहते हैं, आई लिव इन हॉस्पिटल, आई स्टे एंड वर्क इन हॉस्पिटल, एंड थर्ड लाइन होगी कि वो क्या करते हैं, आई ट्रीट द पेशेंट, आई ट्रीट द पीपल हु सिक, राइट, एंड लास्ट 4 लाइन होगी कि डॉक्टर को कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। सो ये 4 लाइन, दिस इज द टास्क फॉर द पेरेंट फॉर द सैटरडे इवेंट एंड कॉम्पिटिशन में। कमिंग सैटरडे हम इस थीम को कंप्लीट करेंगे, बच्चे मुझे चाहिए होंगे प्रॉपर ड्रेसअप में, आप जो भी उस बच्चे को बना रहे हैं रेंटेड नहीं लाएंगे चीजें, घर में बहुत सारा सामान होता है कि आप बच्चों को रेडी कर सकते हैं, राइट। नाउ वी आर मूविंग ऑन द ईआरपी टाइम, सो बच्चों नाउ गेट अप, खड़े हो जाएंगे अपने अपने प्लेसेस पे, नाउ हम रोड काउंटिंग करेंगे, रोड काउंटिंग किस चीज की, 20 तक की, राइट, एंड 20 तक रोड काउंटिंग करने के संग हम क्लैप भी करेंगे, राइट, सो जस्ट डू इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20, वेरी गुड, सो दिस इज द ट्रांजिशन एक्टिविटी क्लैपिंग, नाउ यू कैन सिट, यस, सो दिस इज द ईआरपी टाइम, पेरेंट यू हैव टू एक्सप्लेन दिस टू योर चाइल्ड, लुक एट द पिक्चर एंड से 3 सेंटेंस यूजिंग सम ऑफ वर्ड गिवन बिलो, इसमें जो नीचे वर्ड दिए गए, पहले इसमें एक पिक्चर है, ईआरपी इज इंग्लिश रेडिनेस प्रोग्राम, यहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंटेशन खुद इंग्लिश में होता है, कैसे करना है आपको ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, शीट नंबर आपको स्लाइड पे दिख रहा है, राइट, कैसे एक्सप्लेन करना है बच्चे को, पहले वो इमेज आपको एक्सप्लेन करनी है, राइट, कि एक फैमिली है वहां पर, ठीक है, वो बहुत प्यार से रहते हैं और वो बहुत सारा फूड बनाकर कहाँ गए हैं, पिकनिक पर गए हैं, कुछ लोग वहां खेल रहे हैं, कुछ लोग वहां हंस रहे हैं, देखिए, और बहुत ही क्लीन प्लेस पर बैठे हैं, देखो कितना क्लीन है वहां पर, उनका होम तो नहीं दिख रहा वहां, मतलब वो पिकनिक पर गए हैं, और कोई गार्डन जैसा तो लग रहा है बट, ठीक है, शायद वो लोग लंच कर रहे हैं, शायद वो लोग कोई काम कर रहे हैं, कई लोग जैसे उसकी मम्मा शायद बुक पढ़ रही है आई थिंक, सो उनके डैडी हैं, उनके ग्रैंडपा हैं, और 3 3 बच्चे हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को, और पीछे एक छोटा सा ऐसा लकड़ी का कुछ बना है जहाँ खाना पक रहा है, और कुछ खाना और फ्रूट सामने रखे हुए हैं, सो डियर पेरेंट अगर आपने पिक्चर एक्सप्लेन कर दी है और वहां नीचे रखे कुछ वर्ड है, उनको एक्सप्लेन करते हुए आपको कुछ सेंटेंस बनवाने हैं बच्चों से, और दिस इज द वेरी इजी टास्क अगर आप बच्चों के संग अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो, राइट, जैसे बच्चों दिस इज अ फैमिली, या दिस इज अ फैमिली, इन दिस फैमिली 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर्स आर देयर, राइट, दे आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, और ये लोग कहाँ गए हैं पिकनिक, पिकनिक वेयर, किसी गार्डन में, दे आर एट एनी गार्डन, नॉट एट होम, ये घर पर नहीं है, मामा इज रीडिंग द बुक, मामा क्या कर रही है, रीड कर रही है बुक को, एंड ग्रैंड पेरेंट लव अ बेबी बॉय, राइट, फादर इज वॉचिंग एंड वन पर्सन इज वेटिंग फॉर द फूड, यस, सो इस तरीके से आप लोग लेंगे, नाउ लैंग्वेज टाइम, या दिस इज द लैंग्वेज टाइम, दिस इज द लॉजिकल टाइम, मैथमेटिक्स टाइम, राइट, दिस इज द लॉजिकल टाइम, नाउ रूल्स फॉर द लैंग्वेज टाइम, मैम सॉरी, दिस इज द लैंग्वेज टाइम फॉर द मैथमेटिक्स, फॉर द इंग्लिश ओनली, रूल्स टू डू द लैंग्वेज टाइम वर्क एंड वर्कशीट इज JRD30LTWS01, दिस इज द इंग्लिश टाइम, राइट, सो टेक अ A4 साइज सीट एंड राइट कैपिटल आई ऑन वन शीट एंड स्मॉल आई ऑन द अदर शीट यूजिंग द मार्कर, पेरेंट दैट यू हैव टू डू दिस,
Show your child the A4 sheet on which you have written capital I and ask to your child identify the letter as they are passed out from the nursery so they can easily recognize the letter. Tell your child that capital I has a younger brother. Would you like to meet him? Again, आपको बोलना है कि क्या आप उसके छोटे भाई से मिलना चाहते हैं? Then should him or her the A4 sheet on which you have written the small I. Tell him or her that is a small I. That is the I का sound of I. Place both the A4 sheet in front of your child and ask him or her to name a few things beginning with I. Give your child worksheet number JR day 30 LTWS 01. Ask him or her to write his or her name on the sheet and say igloo start with I. Right? Or you can speak, ink is there, ice cream is there, right? You can give some more examples to your parents, to your child, to your word. Ask your child to place his or her index finger on the arrow where small I starts on the worksheet and trace the letter I, right? Then help your child trace and the letter I and say E. As he or she traces the letter using a pencil, ensure that your child traces in the correct direction. Dear parents, please remember that. Ensure that your child traces in the correct direction. Then say, now let's us say a e e e and remove the air from the igloo. Yes. Now, if you don't have workbook with you, please practice in the same in the English 4-line copy. So this is the way. तो आप बच्चों के लिए सीट डिजाइन करने देनी है राइट एंड क्लास वर्क फॉर द डे दिस इज द शीट जो आपको क्लास वर्क में करानी है नाउ होम असाइनमेंट इज देयर प्लीज डू दिस एज अ होम असाइनमेंट राइट सो मेनी ऑब्जेक्ट आर देयर इंक पॉट इग्लू राइट इंसेक्ट सो यू हैव टू टेल दिस योर चाइल्ड नाउ दिस इज द लॉजिकल टाइम दिस इज द मैथ्स टाइम सो अ ट्रांजिशन एक्टिविटी इज देयर नाउ कम ऑन किडोज Just roll your hands. Come on, do it. Fast, 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 fast. Slowly, 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 slowly. Very good. So we are doing maths time. So rules to do the maths time, logical time. Write 19 number on the A4 sheet paper using the marker. Ask your child to wrote the count 1 to 50. Again, I'm repeating this. Rote counting is what? They have to oral. Starts from one number and till then 50 number. Show them the A4 sheet on which you have written the number 19 and emphasis on the 19 number. Then one by one put the spoons in the box and count out their number. Put the 18th spoon, then pick up the 19th spoon. Ask your child what will be count if you add one more spoon. Expected answer is always 19. Put the 19th spoon and say the number 19. Give the worksheet JRD18MDWS01 and a pencil to your child. Ask your child to write his or her own name on the worksheet. Then encourage your child to count the number of bananas. If you have bananas, then you can count. If you don't have bananas, then you can count any 19th things, right? If you don't have workbook with you, you can do this in maths notebook. So this is the way कि हमारे टीचर्स बच्चों के लिए सीट डिजाइन करते हैं यू कैन डू दिस होम असाइनमेंट इज दिस फ्रॉम द वर्कबुक इफ यू डोंट हैव वर्कबुक प्लीज डू इट एज अ नोटबुक सो दिस इज द म्यूजिक एंड मोमेंट टाइम प्लीज पेरेंट्स एंजॉय द राइम विद योर पेरेंट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न द नंबर 20 इन द लॉजिकल टाइम इन द मैथ्स टाइम और इन द हिंदी वी विल डू प्रैक्टिस फ्रॉम आर आ से ऋषि राइट थैंक यू सो मच डियर पेरेंट Be safe. See you in the next class. Bachon, again and again times, use sanitizer and wash your hands. Right? Till then, bye-bye. Love you.